Good morning, dear students. Here is the story of a tiny seed, how it became the pride of the forests. Let's know. Even the biggest trees begin its life as tiny seed. यहाँ तक कि बड़े से बड़े जो पेड़ होते हैं वह भी अपने जीवन अपनी लाइफ को छोटे से बीज से ही शुरू करते हैं. tiny seeds मतलब छोटे छोटे बीज. Read about how the little corn grew big. यहाँ हम पढ़ेंगे एक कॉर्न के बीज के बारे में, कैसे यह धीरे धीरे बड़ा होता है. हाउ इट ग्रू बिग, कैसे वह बढ़ता है. आपके चैप्टर का नाम है लिटल बाय लिटल, जिसका मतलब होता है थोड़ा थोड़ा. थोड़ा थोड़ा जो आपके चैप्टर का नाम है लिटल बाय लिटल, देखते हैं इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया है. Little by little an acorn sat. Acorn होता है बलूत बीज. बलूत का बीज कहता है कि थोड़ा थोड़ा करके as it slowly sank in its mossy bed. यह जो है mossy bed एक शैवाल युक्त दलदल वाली क्यारी के अंदर. sank मतलब डूबा होता है. I'm improving every day. और कहता है कि मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करता हूँ, बेहतर होता रहता हूँ और बढ़ता रहता हूँ. एवरी डे हर रोज़, हिडन डीप इन द अर्थ अवे, धरती के अंदर हिडन होता है छुपा हुआ. हिडन मतलब छुपा हुआ, डीप मतलब गहराई में धरती की. लिटल बाय लिटल ईच डे इट ग्रू, और यह धीरे धीरे हर एक दिन बढ़ता रहता है. लिटल बाय लिटल इट सिप्ड द ड्यू. ड्यू होती है ओस की बूंदे. सुबह सुबह जो ओस की बूंदे घास के ऊपर पड़ी होती है उनको यह पीता है. सिप मतलब पीना. Downward it sent out a thread like root, और downward होता है नीचे की ओर. it sent thread like root, जो धागे की तरह root होती है जड़, तो जो धागे की तरह इसकी जड़ है धरती के अंदर जो है वह निकलती रहती है, उगती रहती है धीरे धीरे करके. day by day and year by year, यानी कि दिनों दिन कई दिन लग जाते हैं और साल भी लग जाती हैं. लिटल बाय लिटल द लीव्स अपीयर, तब जाके उसमें जो है छोटे छोटे पत्ते उगना शुरू होते हैं. एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड. और स्लेंडर ब्रांचेस, इस तरह से दुबली पतली जो ब्रांचेस है वह धीरे धीरे बढ़ के जो है स्प्रेड मतलब फैल जाती है. फार एंड वाइड दूर दूर तक. फार एंड वाइड होता है दूर दूर तक. टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, जब तक यह जो है माइटी होता है शक्तिशाली, तो इस तरह का जो है पेड़ नहीं बन जाता जो फॉरेस्ट का प्राइड, फॉरेस्ट मतलब जंगल का अभिमान हो और जंगल की पहचान होती है. तो जो ओक ट्री है वह जब तक बढ़ के बहुत विशाल नहीं हो जाता तब तक यह प्रक्रिया धीरे धीरे करके लिटल बाय लिटल चलती रहती है. न्यू वर्ड्स हिडन, हिडन होता है छुपा हुआ. स्लोली होता है धीरे धीरे. डाउनवर्ड होता है नीचे की ओर. स्लेंडर होता है दुबला पतला. माइटी होता है ताकतवर. ब्रांचेस होती है टहनियाँ. प्राइड होता है गर्व अभिमान. इम्प्रूविंग होता है बेहतर होना, सुधार होना. सिप्ड होता है पीना और सूट होता है टहनियाँ.
लेट्स नो वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर. acor एन अकॉर्न होता है बुलूत का फल या बीज. slowly स्लोली होता है धीरे धीरे. mowsby मौसी होता है काई वाला. hidden हिडन होता है छिपा हुआ दबा हुआ. sipped सिप्ड होता है पिया. dowarded डाउनवर्ड डाउनवर्ड होता है नीचे की ओर. thread थ्रेड like थ्रेड लाइक होता है धागे जैसी. sprang स्प्रेंग होता है ऊपर उठी. shot सूट होता है अंकुर. slender slender स्लेंडर होता है पतली. branches ब्रांचेज होता है टहनिया. mighty होता है मजबूत. pride प्राइड होता है सार या गौरव. oak होता है बलूत का ब्रिक्स. लेट्स नो क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. नेम द ट्री दैट द कॉर्न ग्रोज इनटू. उस पेड़ का नाम बताना है जिसमें अकॉर्न के जो फल है वह उगते हैं. आंसर है द अकॉर्न ग्रोज इनटू एन ओक ट्री. ओक ट्री में अकॉर्न का जो फल है वह उगता है. क्वेश्चन टू है व्हाट थिंग्स डज सीड नीड टू ग्रो. कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें जिनकी जो ज़रूरत होती है सीड्स को. नीड मतलब ज़रूरत, ग्रो मतलब उगने के लिए. एक बीज को उगने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है. आंसर है अ सीड नीड्स सनलाइट एंड वाटर टू ग्रो. उसको ज़रूरत होती है सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी की एंड वाटर और पानी की उगने के लिए. क्वेश्चन थ्री है हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स डू यू फाइंड इन द पोइम. इस पोइम में एडजेक्टिव और फाइंड मतलब ऐसे वर्ड को फाइंड आउट करना है जो विशेष हो, विशेषता बता रहे हो किसी चीज़ की. तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं ऐसे. वी फाइंड मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द पोइम. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बहुत सारे हैं जो हम इस चैप्टर में देखते हैं. सम ऑफ देम आर मौसी एवरी इज थ्रेड लाइक टीनी स्लेंडर माइटी. ये जो है एडजेक्टिव वर्ड्स है. एडजेक्टिव वर्ड्स मतलब विशेषता बता रहे हैं. लुक एट पिक्चर वन राइट थ्री सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस. तीन सेंटेंसेस आपको लिखने हैं जिनमें आपको बताना है कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं. आंसर है नंबर वन द ट्रीज गिव अस फ्रूट टू ईट. पेड़ हमें फल देते हैं खाने के लिए. नंबर टू द ट्रीज गिव अस फायर वुड टू बर्न. फायर वुड होती है जलाने के लिए लकड़ी. द ट्रीज कीप अस कूल शेड इन समर. पेड़ हमें ठंडी छाया देते हैं. कूल शेड होती है ठंडी छाया इन समर गर्मी में. नाउ लुक एट पिक्चर टू राइट थ्री सेंटेंसेस ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज. तीन सेंटेंसेस आपको लिखने हैं जिनमें आपको बताना है कि हम किस तरह से पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं. हाउ वी हार्म द ट्रीज. आंसर है नंबर वन वी कट डाउन ट्रीज अनवाइजली. हम अज्ञानतापूर्ण पेड़ों को काट देते हैं. वी थ्रो स्टोन्स एट फ्रूट ट्रीज. हम पत्थर फेंकते हैं फलों वाले पेड़ों पर. वी मेक होल्स इन देयर ट्रंक्स. हम उनके जो तने हैं उन पर होल कर देते हैं, छेद कर देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है. दिस वर्ड डिस्क्राइब पार्ट ऑफ अ ट्री.
राइट देम इन द गिवन स्पेस। यहाँ पर आपको ट्रीज के पार्ट्स दिए गए हैं, आपको ये जो स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर आपको फिलअप करना है इन वर्ड्स के नेम। स्टेम STEM, स्टेम होता है तना, BAR के बार्क होती है छाल, लीव्स होते हैं पत्ते, ब्रांच होती है शाखा, ट्विग्स होती है सूखी लकड़ियाँ, रूट होती है जड़, सूट होती है अंकुर। मैच द अपोजिट्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। अपोजिट वर्ड्स ऐसे शब्द जिनके उल्टे अर्थ वाले शब्द आपको लिखने हैं। डाउनवर्ड होता है नीचे की ओर, और अपवर्ड होता है ऊपर की ओर। स्लोली का अपोजिट होगा फास्ट, स्लो होता है धीरे और फास्ट होता है तेज। लिटल होता है छोटा और बिग होता है बड़ा। स्लेंडर होता है दुबला पतला, फैट होता है मोटा। माइटी का अपोजिट होगा वीक, ये आपको दिया हुआ है। डे का होगा नाइट। इस तरह से आपको अपोजिट वर्ड्स आपको मैच कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।